सबसे पहले ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की पिछले 20-25 दिन से हड़ताल चल रही है। ये हड़ताल क्यों चल रही है? हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने पैसे नहीं दिए इस दिल्ली को। लग रहा है ना आरोप? आज मैं सारे सरकार के कागज लेके आया हूं आपके सामने दिखाने के लिए। ये सरकारी कागज है, इसमें पिछले 10 साल का लेखा जोखा है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे एमसीडी को कितना पैसा मिलता था, फिर 2014-15 में एलजी साहब का प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन, उस टाइम तो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के टाइम पे कितना पैसा मिलता था और हम कितना पैसा दे रहे हैं। 2013-14 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने ईस्ट एमसीडी को 2013-14 में दिया 287 करोड़ रुपए। याद रखना थोड़ा सा, कितने दिए? मोटे मोटे तौर पे 300 मान लेते हैं। 300 करोड़ रुपए दिए शीला दीक्षित जी ने। उसके अगले साल 2014-15 में आ गया राष्ट्रपति शासन, यानी कि बीजेपी की सरकार, उन्होंने दिए 396 करोड़ रुपए, मोटा मोटा मान लेते हैं 400 करोड़ रुपए। शीला दीक्षित जी ने दिए 300 करोड़, बीजेपी ने दिए 400 करोड़। 2016-17 में हमारी सरकार थी, हमने दिए 948 करोड़। कितने दिए? मोटा मोटा 950 करोड़। शीला दीक्षित जी ने दिए 300 करोड़, बीजेपी वालों ने दिए 400 करोड़, हमने दिए 950 करोड़। कहते हैं पैसे नहीं दिए। ये कहां गया सारा पैसा? उनके टाइम में एक बार भी हड़ताल नहीं हुई, शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी नहीं हड़ताल हुई, एलजी साहब के बीजेपी के शासन में भी हड़ताल, कब पूरी तनख्वाह दे रहे थे, कह रहे कब पूरी। अब हमने 3 गुना पैसा दे दिया। शीला जी देती थी 300 करोड़, हमने दे दिए 950 करोड़, 3 गुना से भी ज्यादा, फिर भी तनख्वाह नहीं दे रहे। कहां गया जी सारा पैसा? इन 3 साल के अंदर कोई नई भर्तियां तो हुई नहीं है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई? इन 3 सालों में तनख्वाह भी नहीं बढ़ी कर्मचारियों की, कई सारे खड़े हैं पूछ लो, कोई नहीं बड़ी तनखा। फिर कहां गया सारा पैसा? जनता पूछना तो चाहती है, भाई शीला दीक्षित जी के टाइम पे 300 करोड़ में काम चल रहा था, अब 950 करोड़ में काम क्यों नहीं चल रहा? और इस साल मौजूदा साल में 6 महीने में 770 करोड़ दे दिया, अभी आधे साल में। शीला दीक्षित जीती थी 300 करोड़, एक साल में हमने दे दिए 770 करोड़, 6 महीने में फिर भी कह रहे तनखा नहीं गई। तो हमारी जो जानकारी है, सारा पैसा चोरी हो रहा है, सारा पैसा ठेकेदारों को दिया जा रहा है, कर्मचारी भी दुखी है बेचारे, गरीब सफाई कर्मचारी, जनता भी दुखी है। आज इनको हम अगर 9000 करोड़ भी दे देना इसका 10 गुना, तब भी तनखा नहीं देंगे, ये सारा पैसा खा जाएंगे। एक बार तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि पैसा नहीं दे रहे। जितना पैसा बीजेपी देती थी उससे 2.5 गुना ज्यादा पैसा दिया, जितना पैसा शीला दीक्षित देती थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। दूसरी बात, पूरे देश में हर म्युनिसिपैलिटी को, लुधियाना हो चाहे अमृतसर हो चाहे रोहतक हो चाहे बंबई हो चाहे मद्रास हो चाहे कलकत्ता हो, हर म्युनिसिपैलिटी को केंद्र सरकार 488 रुपए पर पर्सन पर सिटीजन के हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन होती है ना उस एरिया में, उस म्युनिसिपैलिटी की 488 रुपए पर सिटीजन के हिसाब से केंद्र सरकार सीधे नगर निगम को ग्रांट देती है, केवल दिल्ली को नहीं देती। पूरे देश में हर म्युनिसिपैलिटी को
चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, हर म्युनिसिपैलिटी के उस एरिया में जितनी जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या के हिसाब से पर पर्सन पर ईयर 488 रुपए की ग्रांट देती है, एड देती है हर साल। दिल्ली को एक भी पैसा नहीं देती है। और केंद्र सरकार सीधे नगर निगम को देती है। केंद्र में बीजेपी, नगर निगम में बीजेपी। बीजेपी नगर निगम वाले केंद्र से पैसा नहीं मांगते, भाई हमारे पैसे दो। 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया बनता है केंद्र सरकार के ऊपर। नगर निगम को मिलना है 5,000 करोड़ रुपया। नगर निगम में बीजेपी, केंद्र सरकार में बीजेपी, लेकिन नगर निगम वाले उनसे नहीं मांगते। अब हम लोग दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया पिछले हफ्ते कि केंद्र सरकार नगर निगम को पैसे दे। हमारा क्या लेना देना था, फिर भी हम गए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता हमें प्यारी है। इसमें दुखी दिल्ली की जनता हो रही है, इसमें दुखी सफाई कर्मचारी हो रहे हैं। हम लोगों ने दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस कराया कि ये 5,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से नगर निगम को दिलवाया जाए। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि ये सारी जनता को बताया जाए, क्योंकि आप भ्रम फैला रहे हैं। जनता को कई सारी चीजें नहीं पता, जनता बेचारी गवर्नेंस नहीं समझती। जनता को कहते हैं केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा। अब उनको बता देना कि जितना पैसा शीला दीक्षित जी देती थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसा दे दिया। केंद्र सरकार को 5,000 करोड़ रुपया देना है, अगर 5,000 करोड़ रुपया दे दे, सारे सफाई कर्मचारियों के एरियर भी मिल जाएंगे, उनकी नौकरियां भी पक्की हो जाएंगी और बम बम हो जाएगी सारे नगर निगम।